हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिटिक्स चैनल, द पार्ट ऑफ एन एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बेल आपको हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रखेगी। दूसरी बात, अगर आप स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के, देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू गाइज। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, ESC एंड अदर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मैंने आपको UET और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो है पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है और एग्जाम ओरिएंटेड कराया है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, एक सेक्शन बचा हुआ है बैटरी का, वो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो पार्ट है उसके अंदर वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो गाइज आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं आज जो मैं कराऊंगा आपको, ये पावर सिस्टम UET और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, बचे हुए क्वेश्चन जहां रह जाएंगे वो मैं यहां कंप्लीट कराऊंगा इस सेशन में। तो गाइज इंपॉर्टेंट बात है, आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो प्लीज, ये मेरे लिए भी काफी मोटिवेशनल है, ठीक है, और मुझे भी अच्छा लगेगा, स्टूडेंट कंसर्न रखते हैं, अदरवाइज चीजें चल ही रही हैं। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट करें पूरे चैनल को, टीम को, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, दिस इज अवर अनअकैडमी टीम ऑन अनअकैडमी प्लस, इंडिया बेस्ट एजुकेटर, इनके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। दिस इज अबाउट माई सेल्फ राहुल शर्मा, आई हैव 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन गेट एंड ESC, दीज आर द सब्जेक्ट दैट आई एम डीलिंग विथ, एंड दिस इज माई कोड गाइज। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पर, तो आप मेरे कोड का यूज कर सकते हैं राहुल11, और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, समझ रहे हैं, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा राहुल11 कोड का यूज करके। टीम के किसी भी मेंबर का अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और इस कोड का यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के मन में कि सर मैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन क्यों लूं? तो बेटा इसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहला बेनिफिट तो बच्चे आपके साथ यही है कि ये फिक्स टाइम पे आपको क्लास मिलेगी। देखिए, तैयारी के लिए निरंतर समय, मतलब एक ही समय पर आप फिक्स क्लास करते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है। यहाँ क्लासेस जो मिलेंगी आपको गेट और ESC के सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगी। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको क्लास देंगे, जैसे कि आप हमारी टीम के भी जो एजुकेटर्स हैं उनके वीडियो भी देख सकते हैं, और साथ के साथ जो अदर टीम्स हैं उनके भी आप एजुकेटर्स के वीडियो देख सकते हैं, जैसे क्वाजर हफीज सर हो गए, काफी सीनियर है, उनके भी वीडियो आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्रैश कोर्स ये आपको रिविजन करने में हेल्प करते हैं। देखिए, जैसे मैं क्रैश कोर्स लेकर चला रहा हूं, मैं और केविंदर सर, जिसके अंदर मैं पावर सिस्टम ले रहा हूं और केविंदर सर मशीन ले रहे हैं, तो गाइज क्रैश कोर्स से रिवीजन बहुत फास्ट होता है आपका, और आपके जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो भी, जब रिवीजन अच्छा होगा तो ऑफ इस बात है मार्क्स अच्छे से बूस्ट हो जाएंगे आपके। तो मैंने UPSC ANLC और आपका SSC JEE के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है फॉर पावर सिस्टम एंड मशीन्स। नेक्स्ट गाइज, आपका पूरा सिलेबस कवर होगा गेट और ESC का बिफोर एग्जाम। ठीक है, मतलब इन द सेंस एट राइट टाइम इन अक्टूबर इट विल, योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम अवर साइट। ऑलमोस्ट 3 months यू हैव टू प्रिपेयर, आपके पास प्रिपरेशन के 3 months रहेंगे अच्छे खासे रिविजन करने के लिए। नेक्स्ट, लेक्चर जो है आप दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं, तो बाउंडेशन नहीं है। जैसे मैंने क्रिएटिक्स पे खुद महसूस करा, बहुत से बच्चे इंग्लिश में देखना चाहते हैं, हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं कुछ, तो अनअकैडमी प्लस पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, यूट्यूब पे यही जो प्रॉब्लम है मैं आपको टैकल कर रहा हूँ कि कुछ को साउथ इंडियन स्टूडेंट जो इंग्लिश प्रीफर कर रहे हैं, कुछ बच्चे हिंदी प्रीफर कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया के, तो वहां पर ऐसा नहीं है, आपको जो लैंग्वेज पसंद है आप उसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट गाइज, नो डाउट लेफ्ट अनसॉल्व, तो आपका जो है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप रियल टाइम में हमारे एजुकेटर से पूछ सकते हैं, यानी आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेशल क्लास, डाउट सेशन, ऑफलाइन कोचिंग की तरह अटेंड नहीं करना पड़ेगा, टीचर से एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना पड़ेगा, आपको रियल टाइम में ही फीडबैक मिल जाएगा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, और इवन दैट वो आपके नोट्स में लग भी जाएगा आपका डाउट, सबसे अच्छी चीज।
फिर क्या लैपटॉप कंप्यूटर फोन तीनों प्लेटफॉर्म पर आपका अनअकैडमी प्लस रन करता है। ऐसा नहीं कि आप जी ड्राइव के लिए अलग, पेन ड्राइव के लिए अलग और एंड्रॉयड के लिए अलग अलग पे करना पड़ रहा है, उनकी अलग अलग फीस है, फिर उनका अलग अलग टाइम है, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते और बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है वो यहाँ पर नहीं है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, एवरीथिंग विल अवेलेबल फॉर यू गाइज। नेक्स्ट है बेटा डाउट सेशन। डाउट सेशन जो है आपका ये पूरा का पूरा जो है, इस तरीके से समझिए, अगर मैं आपको 3 लेक्चर देता हूं तो हर फोर्थ क्लास जो होगी वो आपका डाउट सेशन होगा। यानी आपको जो 3 क्लासेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उस डाउट क्लास में आप उस लेक्चर में पूछ सकते हैं उन 3 क्लासेस के रिगार्डिंग, ठीक है। और भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज विल बी अवेलेबल। तो टेस्ट सीरीज में क्या है, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, ओरिजिनल एग्जाम में किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है वो सीखेंगे, प्रेशर को कैसे बियर करना है, और आपको ओरिजिनल एनवायरनमेंट मिलेगा एग्जाम का, और टाइम मैनेजमेंट भी आप सीखेंगे। सो गाइज आगे चलते हैं। टेलीग्राम ऐप जो है आपका हमारे चैनल का ये है, क्योंकि तो बहुत बार क्वेश्चन रहता है बच्चों का मुझसे, बहुत बार लाइव में चैट करते वक्त बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। बेटा इसी टेलीग्राम पर सारे के सारे पीडीएफ आपको मिलते हैं, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तुरंत पीडीएफ आपके पास पहुंच जाता है। इस हैशटैग को वायरल कर दो, हैशटैग गेट प्रेप डेली, क्योंकि जितना इसे आप वायरल करोगे ठीक है उतना हमारे लिए काफी मोटिवेशन रहेगा और आपको राइट वीडियो गेट रिगार्डिंग मिलेंगे। आगे चलते हैं। फेसबुक पे हमारा ये ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लीजिए आप, काफी बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर अपने शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज और क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है कि आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो तो मैंने बता दिया बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है प्रैक्टिस सेशन। तो सबसे पहली चीज यार बच्चों एक बात समझ लेना, ये जो प्रीमियर हो रहा है वीडियो, तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है सर, क्या करा रहे हैं, लेकिन अगर जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड है, जो मुझे जानते हैं अच्छे से, तो उन्हें पता है कि मैं चैट में लाइव रहता हूं आपके साथ। तो आप जो भी क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे, मैं वहां पर रहता हूं आपके साथ अवेलेबल, वहां हम डिस्कशन भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है कि बच्चे वहां पर चीजों को पूछते हैं, शेयर करते हैं, आंसर देते हैं। तो प्लीज इस बात को समझे, कुछ समय की बात है, उसके बाद चीजें लाइव हो जाएंगी। आगे चलते हैं। अब सेशन स्टार्ट करते हैं, आप वन बाय वन सभी का आंसर देते जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर गाइस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एटॉमिक फ्यूल इन द न्यूक्लियर प्लांट। तो गाइस जल्दी से इसका आंसर मुझे बस कमेंट बॉक्स में करके बता दो, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ यूरेनियम दिया है, बी थोरियम दिया है, सी प्लूटोनियम दिया है, डी टाइटेनियम दिया है। तो जल्दी से बता दीजिए क्या इसका राइट आंसर है गाइस। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है, टाइटेनियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिकॉज हम यूरेनियम 238 टिक का भी यूज करते हैं। इसका कितना होता है एटोमिक नंबर, ये भी याद रखिएगा, 92, ठीक है। यूरेनियम 235 का भी हम यूज करते हैं, ठीक है, इट इज 92। थोरियम का भी हम यूज करते हैं, 232 होता है, ठीक है गाइस, और इट इज 90 इसका एटॉमिक नंबर। इसे भी यूज करते हैं हम, प्लूटोनियम 239 का भी हम यूज करते हैं, और टाइटेनियम जो होता है हमारा हार्ड कहते हैं टफेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, हार्ड मटेरियल होता है काफी। तो ये तीनों के तीनों हमारे यूज होते हैं एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। बट आपसे पूछा क्या गया था, कैन नॉट, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, टाइटेनियम इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका आंसर आपने दे भी दिया होगा। आगे बढ़ता हूं बच्चे। Which of the following power station will take least time in starting from cold condition to full load condition? Option A, nuclear power plant, steam power plant, gas turbine plant,
या हाइड्रो पावर प्लांट। प्लीज इसका आंसर जल्दी से जल्दी देना, क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ बच्चे इसके अंदर मिस्टेक करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसका आंसर दो जल्दी से जल्दी और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक, जो सबसे ज्यादा सही आंसर देगा उसका नाम लूंगा पर्सनली चैनल पर। ठीक है, दूसरा है गाइस, इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा, हाइड्रो पावर प्लांट। क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है बेटा, वैसे हाइड्रो पावर प्लांट, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट आर यूज फॉर बोथ एज पीक लोड प्लांट एंड बेस लोड प्लांट। ठीक है, तो ये जो होता है इट विल टेक वेरी लेस टाइम फॉर फुल स्टार्टिंग, वेरी लेस टाइम फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम कोल्ड कंडीशन टू फुल लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन। ठीक गाइस, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो वेरी लेस टाइम फॉर शेयरिंग फ्रॉम, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम कोल्ड कंडीशन टू फुल लोड कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, डी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे मूव ऑन करता हूं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, ये यूज किसके लिए होगा, थोड़ा इसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए। बेस लोड के लिए हम इसका यूज करते हैं, स्टीम पावर प्लांट भी हमारा बेस लोड के लिए यूज होता है, ये वाला हमारा पीक लोड के लिए यूज होता है, गैस टरबाइन और डीजल। दूसरा क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट विल टेक ऑलमोस्ट 14 to 16 आवर फॉर टू स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्ट फ्रॉम कोल्ड टू फुल लोड कंडीशन। ठीक, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है, इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके साथ आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर द सेम प्लांट साइज इनिशियल कॉस्ट विच ऑफ द प्लांट इज हाइएस्ट। तो गाइस यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। स्टीम पावर प्लांट, डीजल इंजन प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस टरबाइन प्लांट। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट, देखिए डीजल और गैस टरबाइन जो है, ऑब्वियस सी बात है इनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो तो आप जानते ही हैं काफी हाई रहेगी। ठीक है, बट आप कंफ्यूजन होगा स्टीम और न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो राइट आंसर है वो गाइस क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर, न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कॉस्ट होती है इनिशियल इज वेरी हाई। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट इसके अंदर क्या ही होती है, क्योंकि इसके अंदर काफी मेंटेनेंस का खर्चा होता है और ऊपर से के कंस्ट्रक्शन में भी काफी सारे आपको सेफ्टी पैरामीटर्स बनाने पड़ते हैं। रीजन है न्यूक्लियर पावर प्लांट का इनिशियली कॉस्ट हाई होना। दूसरी बात क्या बेटा, स्टीम पावर प्लांट जो है इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इन हाइड्रो पावर प्लांट और इसके बीच में है। अगर आपसे इनिशियल कॉस्ट के बारे में पूछा जाए, सॉरी माय मिस्टेक, यहां पर आंसर क्या है हमारा, इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ लोड ऑन ए पावर स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नाउन एज, लोड कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व, डायवर्सिटी फैक्टर या लोड फैक्टर। तो गाइज ये तो बहुत आसान है, इसे तो आप तुरंत आंसर देंगे, लोड कर्व इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लोड कर्व, वेरिएशन ऑफ लोड ऑन पावर स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिमांड फैक्टर। ऑप्शन देखते हैं, द रेशियो ऑफ कनेक्टेड लोड टू द मैक्सिमम डिमांड, द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम लोड, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड, द रेशियो ऑफ किलोवाट आवर कंज्यूम टू द 24 आवर। ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी ये जो है। तो गाइज यहां पर मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो आप इन्हें ए बी सी या 1 2 3 4 भी बोलेंगे तो भी मैं अंडरस्टैंडेबल हो जाऊंगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो आपका डिमांड फैक्टर होता है
क्या होता आपका मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड, कनेक्टेड लोड। दूसरा क्या है, डिमांड फैक्टर इज लेस देन ठीक है, डिमांड फैक्टर वैल्यू विल बी लेस देन वन। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। विच इज द वोल्टेज, व्हाट इज द वोल्टेज फॉर द हाई वोल्टेज सब स्टेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अबव 400 केवी, ऑप्शन नंबर बी दिया 132 केवी टू 400 केवी, ऑप्शन सी दिया है 64 केवी टू 232 केवी, और ऑप्शन डी है 11 केवी टू 66 केवी। तो गाइज यहां पर जो राइट आंसर है फॉर हाई वोल्टेज इज ऑप्शन नंबर डी, दिस विल रिप्रेजेंट द हाई वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, और इससे ऊपर का हमारा कौन सा वाला चल रहा है आजकल 765, ये वाला किसमें आता है अल्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश मस्ट बी डिक्रीज टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन टू ट्रांसमिट पावर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, लाइन इंडक्टेंस या वोल्टेज। तो गाइस इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दे मेरे को। तो बेटा इसका जो आंसर है आप सभी जानते होंगे, और बहुत जल्दी से कुछ बच्चों ने आंसर भी दे दिया होगा, पी इज इक्वल्स टू ई वी एक्स साइन डेल्टा। सो इफ दिस वैल्यू विल डिक्रीजेस देन दिस इज increases and this will represent the line inductance। ठीक है, ठीक है, this will represent the line inductance। okay, तो I hope option number C इसका right answer है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। When the power factor of the load increases, the losses in the transmission and distribution line increases, decreases, remain same। तो guys इसका जो आंसर आप देंगे तो आपको क्या देखना पड़ेगा, जो पावर फैक्टर होता हमारा इट विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, इफ दिस वैल्यू विल इंक्रीजेस देन द करंट वैल्यू विल डिक्रीजेस, इफ दिस विल डिक्रीज सो लाइक आई स्क्वायर आर लॉसेस, this will represent the loss, loss will decrease, if the losses will decrease the efficiency of the system will increased। to yahan par losses in transmission line and distribution kya hoga, decreased, option number b is the right answer। aage badhte hain, next question dekhte hain, please video ko zyada se zyada share kar do bachcho। low power factor can be avoided by using synchronous motor instead of induction motor, using high speed induction motor to low speed machine, not operated induction motor at less than rated output। तो जाहिर सी बात है, as we know that synchronous motor is working as an synchronous condenser, or ठीक है, it will used for correction of पावर फैक्टर। ठीक है, बाय चेंजिंग एक्साइटेशन, बाय चेंजिंग एक्साइटेशन, ठीक है, बाय चेंजिंग एक्साइटेशन। नेक्स्ट है गाइस, यूजिंग हाई स्पीड इंडक्शन मोटर टू लो स्पीड मशीन्स, ये भी राइट है। नॉट ऑपरेटेड इंडक्शन मोटर एट लेस देन रेटेड आउटपुट, ठीक है, तो यहां पर रेटेड आउटपुट मतलब अगर उसे, जैसे जानते हैं कि अगर इंडक्शन मोटर पर लोड हम मैक्सिमम रखते हैं तो वैसे वैसे उसका पावर फैक्टर क्या होता जाता है,
इम्प्रूव होता चला जाता है, तो 0.3 के अराउंड, 0.2 के अराउंड जो है इट विल कम टू द 0.85 एट फुल रेटेड लोड। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, डी विल बी द राइट आंसर। तो बाय यूजिंग ऑल थ्री ऑप्शंस वी आर इंप्रूविंग अवर परफेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉल्ट गिव राइट टू द सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, ठीक है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या थ्री फेस फॉल्ट। तो गाइज यहां पर जो आंसर है आप सभी को पता होगा, बहुत से बच्चों ने तो कमेंट करके एकदम से आंसर भी इसका दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो क्या हो गया, अगर इन तीनों के बारे में बात करी जाए सबसे पहले तो ये क्या है, एसिमेट्रिकल फॉल्ट है, ठीक है गाइज। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि एसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट में, जब मैं प्रीमियर में रहूंगा तब मुझे आप बताएंगे क्या चीज इंक्रीज होती है क्या चीज डिक्रीज होती है, ठीक है, ये आपका काम है मुझे देखकर बताना, ठीक है। नेक्स्ट ये होते हैं थ्री फेस फॉल्ट। थ्री फेस फॉल्ट के अंदर क्या होता है गाइस, तीनों लाइन हमारी शट डाउन हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, सिमेट्रिकल फॉल्ट। और अगर सबसे ज्यादा इनमें से कोई फॉल्ट होता है मैक्सिमम, तो वो भी मेरे को बताओ, मैक्सिमम फॉल्ट ऑन पावर सिस्टम इज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे मूव करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इन बस बार प्रोडक्शन व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एन अर्थ मेटल बैरियर सराउंड ए बस बार थ्रू इट्स लेंथ कॉल्ड, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, टाइम रिलेटेड ओवर करंट प्रोटेक्शन, फॉल्ट बस प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। गाइज अगर आप सभी को पता होगा तो इसमें से अगर आपको नहीं भी आइडिया ना इसका तो भी आप आंसर दे सकते हो। देखिए डिस्टेंस प्रोटेक्शन, टाइम रिलेटेड, ये सब क्या रिलेस का पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है जो राइट आंसर है इसका, फॉल्ट बस प्रोटेक्शन, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं प्रोवाइडिंग है अर्थ मेटल बैरियर सराउंड ए बस बार, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है शंट रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस कनेक्टेड कॉन्टेक्ट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इन ऑर्डर टू डैम्प आउट द स्ट्राइकिंग ट्रांजिएंट, बाईपास द आर्क करंट, लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट, रिड्यूस द डैमेज टू कॉन्टेक्ट ड्यू टू आर्किंग। सो गाइज इसका जो आंसर है आप ऑप्शन नंबर ए, डैम्प आउट द रीस्ट्राइकिंग ट्रांजिएंट, मतलब ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट, ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट ड्यू टू करंट चॉपिंग, ड्यू टू करंट चॉपिंग की वजह से। तो इन्हें डैम्प आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, शंट रेजिस्टर अक्रॉस द कॉन्टेक्ट लगा देते हैं सर्किट ब्रेकर के। आगे चलते हैं, द अर्थ फॉल्ट इन स्टेटर कॉजेस आर्किंग टू द कोर सर्व हीटिंग इन द कंडक्टर देयर बाय डैमेजिंग द इंसुलेशन, ओपन सर्किट इन द स्टेटर बोथ आर्किंग टू द कोर एंड द सर्व हीटिंग इन द कंडक्टर एंड डैमेज देयर बाय डैमेजिंग द इंसुलेशन। So guys, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, द वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द ब्रेकर कॉन्टेक्ट आफ्टर द सर्किट ब्रेकर इज ओपन इज कॉल्ड आर्क वोल्टेज, ऑप्शन नंबर ए, बी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, सी रिकवरी वोल्टेज या डी सर्ज वोल्टेज। सो गाइज इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, रिकवरी वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर है रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। और जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो इसका आंसर, बिल्कुल भी आप कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है, रिकवरी वोल्टेज इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, ये डेफिनेशन है पूरी की पूरी रिकवरी, द इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल आर्क एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टेक्ट सेपरेशन इज कॉज्ड बाय। तो इसके लिए बेटा दो थ्योरी दी गई थी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है
तो एक थ्योरी तो उनमें से आपको दोनों के नाम पता होने चाहिए। देखते हैं, पहला है थर्मो आयोनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फील्ड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ या नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, बोथ, थर्मो आयोनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फील्ड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे मूव करते हैं, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिंक्रोनाइजिंग पावर सर्जेस विच रिले इज यूज्ड। तो ऑप्शन ए स्प्लिट फेस रिले, ऑप्शन बी इंपेडेंस रिले, ऑप्शन सी रिएक्टेंस रिले या ऑप्शन डी मोर रिले। तो गाइस इसका जो आंसर है जल्दी बताइए, किसके लिए यूज करते हैं सिंक्रोनाइजिंग पावर सर्जेस में, कौन सी ऐसी रिले है जो इफेक्ट नहीं हो पाती है सिंक्रोनाइजिंग पावर सर्जेस में। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है मोर रिले। मोर रिले को हम यूज करते हैं फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और आपका अगेंस्ट सिंक्रोनाइजिंग पावर सर्जेस, ठीक, पावर सर्जेस, ये आपको अपने माइंड में याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप मुझे प्रीमियर में एक और क्वेश्चन का आंसर दोगे, मोर रिले का दूसरा नाम क्या है, इसे बाय हम कौन से वोल्टेज या क्या कहते हैं इसे, ठीक है, वो भी बताओगे आप, और ये कैसे ऑपरेट होती है और किससे रिस्ट्रेन होती है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर इज दैट इट इज फर्स्ट इज इजली इनफ्लेमेबल, ठीक है, सेकंड मे ऑफ एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद एयर रिक्वायर मेंटेनेंस, ठीक, या ऑल ऑफ दीज। तो गाइज इसका जो आंसर है आपको पता होगा, ऑयल सर्किट ब्रेकर का सबसे बड़ा जो रीजन है कि अगर उनके अंदर कुछ भी फॉल्ट होता था तो कुछ समय के बाद जो गैसेस है, गैसेस की वजह से सर्किट ब्रेकर के अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल भी बन जाता है और एयर के साथ मिक्स होने पर दे विल बिकम एक्सप्लोड और वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन पर्सनल, इसलिए सब स्टेशन में कुछ टाइम के बाद इन्हें क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो तीनों के तीनों ही है कि ऑल ऑफ दीज, कि काफी ज्वलनशील होते हैं, इनफ्लेमेबल, ठीक है, इन एक्सप्लोड हो जाते हैं मिक्सचर विद एयर और रिक्वायर मेंटेनेंस इनकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही कहीं यूज होता होगा, अब ये कहीं यूज नहीं होते, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर प्रेफर्ड फॉर शॉर्ट ड्यूटी, इंटरमिटेंट ड्यूटी या रिपीटेड ड्यूटी या ऑल ऑफ दीज। सो गाइज इसका जो आंसर है आपका वो क्या होगा, जल्दी बताएं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक, किस लिए यूज करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का, क्यों प्रिफर होता है। देखिए शॉर्ट ड्यूटी क्या होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है और इंटरमिटेंट ड्यूटी भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, इंटरमिटेंट ऑन ऑफ, ठीक है, लेकिन इसे अब उससे कंफ्यूजन मत कर देना, तो इसका एक ही आंसर है, रिपीटेड ड्यूटी, इसलिए करते हैं रिपीटेड ड्यूटी, क्योंकि कॉन्टेक्ट क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, तो जो कॉन्टेक्ट होते हैं उन पे वियर और टीयर हमारा क्या होता है, बहुत कम होता है एज इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तो इसलिए इसका यूज करते हैं रिपीटेड ड्यूटी पर। मूव करते हैं, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एच आर सी फ्यूज, ठीक है, द सर्किट ब्रेकर इज यूज द सर्किट ऑपरेट फॉर, एच आर सी की फुल फॉर्म तुरंत कमेंट बॉक्स में प्रीमियर में मुझे बताएं लिखकर कि एच आर सी फ्यूज का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसकी। पहला देखते हैं, लो ओवरलोड करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, अंडर एबनॉर्मल करंट, द कॉम्बिनेशन इज नेवर बी यूज्ड इन प्रैक्टिस। तो गाइज इसके लिए अगर आपका सर्किट ब्रेकर है और अगर सर्किट ब्रेकर और फ्यूज दोनों को अगर आपने कंबाइन किया है तो वो लो ओवरलोड करंट के लिए किया है, यानी आपका सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा फॉर द लो ओवरलोड करंट ऑल्सो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्यूज, ठीक, ये बहुत जरूरी है आपको पता होनी, ये सारी चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार काफी एग्जाम में ये आता भी है, लो ओवरलोड करंट, ठीक। आगे चलते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन, ठीक है, बैकअप प्रोटेक्शन का पर्पस क्या है, जल्दी मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताएं आंसर।
ऑप्शन नंबर ए टू इंक्रीज द स्पीड, ऑप्शन नंबर बी टू इंक्रीज द रीच, ऑप्शन नंबर सी लीव नो ब्लाइंड स्पॉट, और ऑप्शन नंबर डी टू गार्ड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ प्राइमरी। सो गाइज, हम सेकेंडरी प्रोटेक्शन या प्राइमरी प्रोटेक्शन, ये बैकअप प्रोटेक्शन का यूज ही इसलिए करते हैं कि अगर हमारा प्राइमरी वाला फेल हो गया तो हम सेकेंडरी वाले का यूज करेंगे, ठीक है। ये अपन इलेक्ट्रिकल वालों का कंटेंजेंसी प्लान होता है सेकेंडरी वाला, ठीक है। पहले हम सिस्टम बाद में सेटअप होता है उसकी डबल प्रोटेक्शन पहले देते हैं, तो ये आप आसानी से लगा देंगे। तो क्वेश्चन का जो मिक्सचर है वो गाइज इसी तरीके से कि आपको जो क्वेश्चन है जो लेवल है जेई वाला वही मेंटेन करके चल रहे हैं। नेक्स्ट है गाइज, अब यहां से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे यूईटी के मिलेंगे, तो अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे तो आप इन सभी का जो आंसर है वो तुरंत दे देंगे, अच्छे से देंगे और बहुत जल्दी आंसर देंगे। तो 21 वाले का तो मुझे लगता है कुछ बच्चों ने आंसर कमेंट बॉक्स में दे भी दिया होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, द लैंप इज यूज्ड इन सिनेमा इज प्रोजेक्टर, इज प्रोजेक्टर में कौन सा करते हैं, कार्बन आर्क लैंप, ठीक, ऑल्सो यूज्ड फॉर दोनों जगह पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। द लैंप यूज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्टर इज कार्बन आर्क लैंप। नेक्स्ट मूव करते हैं, द लैम्प विच कैन नॉट सस्टेन मच वोल्टेज फ्लक्चुएशन इज, सारे क्वेश्चन कराए और बताया भी, इनकैंडेसेंट लैम्प, सोडियम वेपर लैम्प, मरकरी आयोडाइड या मरकरी वेपर लैम्प। तो गाइज अगर आपको पता होगा, अगर आपने पुराना वाला बल्ब देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जब वोल्टेजेस लो हो जाते थे हमारे घरों में तो वो जो पुराना वाला बल्ब था वो रेड कलर का बहुत हल्का हल्का सा ग्लो करता था। तो इस मतलब फुल रेटेड वोल्टेज चाहिए फॉर फुल ग्लो, ठीक है। तो इनकैंडेसेंट लैंप जो है, यानी आपका फिलामेंट लैंप जो है, वो इसका राइट आंसर है, ठीक गाइस। तो आगे चलते हैं, ए फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय ए स्मॉल ब्राइट सोर्स प्लेस्ड 1 meter अवे, व्हेन द सेम सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 2 meter अवे, द इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द फोटो कैथोड ईच कैरी 1/4 ऑफ देयर प्रीवियस एनर्जी, ठीक है, each carry 1/4 of their previous moment and are half as numerous and 1/4 as numerous. So guys, अगर आपको पता होगा जो illumination है, वो किसके proportional था, intensity के, और एक मिनट, और आपके डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है, इल्यूमिनेशन जो है। और अगर यहां पर डिस्टेंस आपने क्या कर दी, पहले तो 1 meter था तो यहां पर इल्यूमिनेशन आई हो गया, ठीक है, बट जैसे ही आपने डिस्टेंस को डी बराबर 2 meter कर दिया तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। It is 1/4 time, ठीक है, कितना हो गया गाइस, यानी 1/4 हो गया पूरा का पूरा 1/4, ठीक है। मतलब अगर यहां पर आई था तो अब यहां पर 0.25 ही रह गया, यानी 1/4 हो गया, या ऐसा समझ लीजिए अगर आई की वैल्यू यहां 100 थी तो यहां पर 100/4 25 ही रह गया, ठीक है, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तो इसे आर 1/4 एज न्यूमरस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, द इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डैश ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, फिजिकल करंट, फिजिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट। तो गाइज आप सभी को पता है, जैसे मैंने चैप्टर स्टार्ट करा था तो पहली चीज यही थी कि करंट जो है वो केमिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, और इसका राइट आंसर क्या है, केमिकल इफेक्ट। हाउ मच सिल्वर कैन बी लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन द 3 coulomb चार्जेस इज पास थ्रू इट, एज्यूम द ईसीई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इज दिस,
आपको दिया गया है, तो आपको देखना है कि कितना मास जो है वो आपका लिबरेट हो रहा है, हाउ मच सिल्वर इज लिबरेटेड। तो गाइज आपको ये फॉर्मूला पता होगा, तो मास लिबरेटेड होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इज इक्वल टू क्यू एंड दिस इज इक्वल टू जेड क्यू एंड हेयर एम इज इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है, तो यहां पर जो आपका चार्ज है वो कितना दे रखा है, 3, और ये कितना है z की वैल्यू, इट्स मल्टीप्लाई बाय 3, सो दिस वैल्यू विल बिकम 33.39 mg पर cc। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, 33.39 mg इज द राइट आंसर। आई होप गाइस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बताया था फैराडे लॉ जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन खुद ब आया हुआ है। नेक्स्ट, इट इज इन द गिवन प्लेसेस वेयर विल यू नॉट यूज डिमिंग सिस्टम फॉर लाइट। अब इसका आंसर आप खुद ही बताएंगे। अगर आपने मेरे लेक्चर ध्यान से पढ़े हैं और एक स्पेशल टाइप की लाइट मैंने बताई थी वो अगर आपको पता है तो उसका आंसर आप आसानी से दे देंगे, थिएटर, ऑडिटोरियम, लिविंग रूम, स्टेडियम। ठीक है, तो जल्दी बताएं इसका आंसर मुझे क्या होगा, जल्दी कमेंट में बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका। तो यहां पर जो आंसर है इसका स्टेडियम, स्टेडियम इज द राइट आंसर। क्यों गाइस, डिमिंग यूज नहीं करते हम स्टेडियम में, इसमें कौन सी लाइट यूज करते हैं, फ्लूड लाइटनिंग। और ये कहां कहां यूज करते थे हम, फॉर एडवर्टाइजमेंट, और इन स्टेडियम। इसका मतलब क्या होता है कि लार्ज सरफेस एरिया के ऊपर खूब सारे मल्टीपल सोर्सेस से लाइट को क्या फॉल कराना, तो ये हमारा फ्लूड लाइटनिंग होती है। और कहां यूज करते हैं, स्टेडियम। रात में आपने वनडे मैचेस देखे होंगे तो वहां पर आपको आइडिया लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज ए कोल्ड कैथोड लैम्प, ठीक है, नियॉन लैम्प, सोडियम वेपर लैम्प, मर्करी वेपर लैम्प या फ्लोरोसेंट लैम्प। सो गाइस इसका राइट आंसर बताएं मुझे जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैंने ये आपको कराया है। तो इसका जो आंसर है वो है नियॉन लैम्प। नियॉन लैम्प को हम क्या कहते थे गाइस, कोल्ड कैथोड लैम्प भी कहते हैं, और दे आर स्पेशली यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज। ठीक है, इनका यूज करते हैं, चलिए तो आप सबको पता ही होगा इस चीजों का कि इन्हें एडवर्टाइजमेंट पर्पज से यूज करते हैं, सोडियम वेपर लैम्प। और इन सभी के आपको एप्लीकेशन पता होने चाहिए। तो एज एन आप मुझे बताएंगे कि अगर आपने मुझसे पढ़ा है नियॉन लैम्प, तो मुझे बताइए बेटा इसमें कितनी ऑपरेटिंग वोल्टेज लगती थी। ठीक है, मुझे कमेंट में करके बताएं। तो एक क्वेश्चन को ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं हमें। आगे चलते हैं। द लाइट, द कलर ऑफ लाइट ऑफ ए मर्करी वेपर लैम्प इज, ऑप्शन ए ग्रीन एश ब्लू, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी पिंक, ऑप्शन डी व्हाइट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, ग्रीनिश ब्लू। मर्करी वेपर लैम्प कैसी लाइट देता है, ग्रीनिश ब्लू कलर की लाइट देता है। वहीं पर आपका सोडियम वेपर लैम्प क्या होता है, सोडियम वेपर लैम्प, तो बेटा ये देता है आपको इनिशियली पिंक कलर की लाइट। ठीक है, एट स्टार्टिंग, और एट फुल ग्लो इट विल गिव यू येलो लाइट। तो आई होप यहां तक चीजें आपको सब समझ में आ गई होंगी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, सोडियम वेपर लैम्प आर यूज फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ स्ट्रीट एंड हाईवे, रेल यार्ड्स एंड स्टोरेज यार्ड्स, पार्क्स एंड ऑल ऑफ द अबव।
सो गाइज अगर आपको पता हो ध्यान से, तो मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, शेयर किए हैं आपके साथ। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं, क्या है इसका राइट आंसर? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज आप सभी को पता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 29 का जो आंसर है वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। स्ट्रीट्स एंड हाईवेज, रेल यार्ड्स एंड स्टोरेज यार्ड्स एंड पार्क्स। ठीक है, तो आप मुझे ये बता दीजिएगा, आप कमेंट में करके बताओ कि लोएस्ट इल्यूमिनेशन किस प्लेस पर होता है, लोएस्ट इल्यूमिनेशन। चलो आगे चलते हैं। हीट फ्रॉम द लैम्प फिलामेंट इज ट्रांसफर्ड टू सराउंडेड मेनली थ्रू सर्कुलेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो गाइस मुझे इसका आंसर बताएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये मैंने आपको करवाया जब मैंने आपको इनकैंडेसेंट बल्ब पढ़ाया था, तब ये मैंने पूरी चीजें आपके साथ एक्सप्लेन की थी। तो जल्दी मुझे आंसर बताएं इसका कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस आपको पता होना चाहिए, रेडिएशन। ठीक है, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन आर द थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो इसके अंदर जो रेडिएशन है आपका इन दिस मोड हीट ट्रांसफर विदाउट हीटिंग द मीडियम। और जो जितनी बॉडी हॉट होगा, ठीक है, जिसका टेम्परेचर जितनी ज्यादा होगा जिस बॉडी का, वो उतना ही रेडिएशन को एमिट करेगा। तो ये कौन सा है? स्टीफन्स लॉ भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, आगे मूव करता हूं बेटा। विच वन इज नॉट द करंट कलेक्टर फॉर एन ओवरहेड सिस्टम। तो अब आप मेरे को इसका आंसर बताएं, क्यों तीनों टाइप के करंट कलेक्टर मैंने आपको बताए थे। अब ये मत कहना सर इस टाइप के क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, बेटा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एग्जाम है, कॉम्पिटिशन है, तो उस हिसाब से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बताएं जल्दी से आंसर इसका, ट्रॉली कलेक्टर, केबल कलेक्टर, भू कलेक्टर या पेंटाग्राफ कलेक्टर। तो गाइज अगर आपको ध्यान में होगा, केबल, ट्रॉली कलेक्टर ट्रांसवे में मैंने आपको पढ़ाया था, वो कलेक्टर भी पढ़ाया था कि पेंटाग्राफ ने ही वो कलेक्टर को आज की डेट में रिमूव करा है, लेकिन केबल कलेक्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, क्योंकि ऐसा कलेक्टर है ही नहीं, केबल कलेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है, केबल कलेक्टर। ठीक है, नॉट ए करंट कलेक्टर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ओवर सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन। तो मैंने, अगर आपको ध्यान से पता होगा, तो मैंने आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस दोनों ही आपके साथ अच्छे से शेयर किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट टाइम पावर फेलियर इंटरप्ट ट्रैफिक फॉर आवर, हाई कैपिटल आउटले इन फिक्स्ड इंस्टॉलेशन बिसाइड रूट लिमिटेशन, इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइंस या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी दें। जाहिर सी बात है, अगर पावर फेलियर हो जाएगा तो ये तो पॉइंट कुछ एक्सप्लेन करने वाले है ही नहीं। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मैं आपको सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करा चुका हूं। आगे चलते हैं। इन प्लगिंग ऑफ ए डीसी मोटर, ठीक है, कनेक्शन टू आर्मेचर रिवर्स्ड, कनेक्शन टू फील्ड आर रिवर्स्ड, कनेक्शन टू बोथ आर्मेचर एंड फील्ड आर रिवर्स्ड, कनेक्शन टू सप्लाई आर रिवर्स्ड। गाइज आपको पता है, मैंने ड्राइव्स में ही बताया था, ये सारी चीजें आप मशीन में डील करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये प्री रिक्वेस्ट मान के चल रहा हूं कि ये चीजें आपको पता है। तो इसका जो राइट आंसर है, कनेक्शन टू आर्मेचर आर रिवर्स्ड। ठीक है, जो प्लगिंग होता है उसके अंदर क्या करते हैं, आर्मेचर का कनेक्शन रिवर्स्ड कर देते हैं, तो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, आपका रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये आपको थोड़ा सा जो मैंने आपसे बोला एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है, ये आपको मिलते रहेंगे क्वेश्चन।
तो गाइज आप खुद देखो, लेस देन 40 45 मिनट हमने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए, यानी आप बिल्कुल टाइम का यूटिलाइजेशन है, एक मिनट एक क्वेश्चन। तो गाइज आगे चलते हैं। लूप इन सिस्टम ऑफ वायरिंग इज जनरली एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग, टेम्पररी वायरिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको कुछ सिस्टम्स कराए थे, एक तो आपको ज्वाइंट सिस्टम बताया था, ठीक है, या जंक्शन बॉक्स सिस्टम बताया था, या टी सिस्टम बताया था, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था लूप सिस्टम। राइट आंसर क्या होगा इसका? डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर हम यूज करते हैं लूप सिस्टम का। इसमें कंजप्शन ऑफ वायर क्या होता है बेटा? सबसे ज्यादा होता है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एन ई कोड, न्यूट्रल वायर इज ऑफ डेड डेड डैश कलर। तो जल्दी बताएं, एन ई कोड के अकॉर्डिंग जो वायर का कलर होगा न्यूट्रल वायर का, वो कौन सा होता है? तो गाइज इसका आपको पता होगा, वी यूज फॉर न्यूट्रल एंड दिस इज फॉर ग्राउंड। चलिए इसे हटाते हैं, दिस इज फॉर न्यूट्रल, ठीक। तो आगे मूव ऑन करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच बोर्ड आर फिक्स्ड एट ए हाइट ऑफ, तो 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर, बी 2.5 मीटर, सी 4 मीटर एंड डी 4.5 मीटर। गाइस मुझे जल्दी से जल्दी आंसर करके बताओ यार, वीडियो जरा शेयर कर दो क्योंकि काफी एफर्ट लगता है, ठीक है, ऐसा वीडियो बनाने में। आप समझ सकते हो कि एज्यूम करके चलना कि बच्चा बैठा हुआ है। तो स्विच बोर्ड आर फिक्स्ड एट, तो देखिए कुछ डाटा जो वहां रह गया था वो एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा 1.5 मीटर इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ हाइट ऑफ ए लैंप जीएल शुड बी 1.25 मीटर, 1.5 मीटर या 2.0 मीटर या 2.5 मीटर। सो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 1.5 मीटर, ठीक। आगे चलते हैं। द मिनिमम हाइट ऑफ सीलिंग फैन फ्रॉम द फ्लोर शुड बी 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर या 3 मीटर। जल्दी से जल्दी मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, ठीक है। इसका जो आंसर है गाइस वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2.5 मीटर, ठीक है। तो इन सबको आप नोट करना। आगे चलते हैं। तो आगे बात करूंगा मैं आपसे कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। साइट पर जाएंगे बेटा आप, गेट और ईएससी पे क्लिक करेंगे, सब्सक्रिप्शन बटन पे दबाएंगे। अब सब्सक्रिप्शन कितने मंथ का लूं सर? बेटा अगर तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तो 1 महीने का ले लो, सब कुछ पढ़ लेना 1 महीने में, तुम्हारे ऊपर है। 5,000 का है सारा कोर्स मिलेगा, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और अगर चीजों को चाहते हो सीखना अच्छे से तो आप 1 ईयर का प्लान या 2 ईयर का प्लान ले सकते हैं। अब 2 ईयर में सर, 2 ईयर कर लूं या 1, अगर बेटा आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हो देन गो विद द 2 ईयर प्लान। क्यों? क्योंकि थर्ड ईयर में तो आप पूरा सिलेबस पढ़ोगे एक बार अच्छे से, क्योंकि टाइम रहेगा आपका, ठीक है। तो जैसे ही 6 सेमेस्टर के स्टार्टिंग में आओ परचेस कर लो, 7 सेमेस्टर के एंड तक क्या कर लो उसे कंप्लीट, या चाहो तो ऐसा करो 4th सेमेस्टर, हाँ 4th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ले लो, 4th से 5th तक कंप्लीट और फाइनल अपेयरिंग में अपना रिवीजन करो और पेपर क्रैक करो, या आपके ऊपर है, इट्स ऑल योर चॉइस, ठीक है। मैं तो अपना ओपिनियन बता रहा हूँ बेटा, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। नेक्स्ट है गाइस, जैसे ही आप पे के लिए जाएंगे तो अप्लाई माई कूपन कोड राहुल11, ठीक है, राहुल11 कोड को लगाएं और आपको एट द इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? एट द इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा राहुल11 पर, और
जैसे ही आपको, ठीक है, आप अप्लाई करेंगे तो एट द इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर आपको इस नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, ईएमआई ऑप्शन भी ले सकते हो आप। आज की डेट में डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, 6 मंथ तक उस पर कोई चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट है फाइनली क्लिक टू पे। ठीक है, तो आप आज का सेशन हमारा इतना ही रखते हैं। हमने आज 38 क्वेश्चंस को डिस्कस किया आपके साथ, काफी इफेक्टिव रहा। आपके साथ मैं कमेंट बॉक्स में बेटा बना रहूंगा, ठीक है। और थैंक यू गाइस, बी काइंड टू ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करो ज्यादा से ज्यादा, और क्रिएटिक्स टीम को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।